हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को ही और राम राम सभी को। और मैंने आज हरी मिर्च और गोभी के पराठे बनाए थे, आप देखना कैसे लगे हैं। मैं बनाती हूँ, मैंने हरी मिर्च ये भर के रख ली थी, पहले ही भर के रख लिया मैंने। इसमें बहुत सारे मसाले डाले, बेसन सेक के फिर उसमें सब मसाले मिला के तब भर के रखी है। मैं इनको छौंक के और बताती हूँ आपको। और ये बहुत ही अच्छी लगती है सर्दी के टाइम में, तो बहुत ही यम्मी लगती है। मैंने तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में, जीरा डाल दिया, इसमें हींग डाल दिया है। और ये सर्दियों में तो बना के खाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे को तो बाजरे की रोटी और छाछ हो तो उसके संग तो बस बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसमें सब मिर्ची डाल दी है, अब इनको ढकते हैं अपन, फिर पका जाती हैं ये। ढक के पकाती हैं इनको, ये जल्दी भी बन जाएंगे, 5-7 मिनट में ही बन जाती हैं ये मिर्ची, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। और घोते मैंने अभी ये गोभी के पराठे बनाऊंगी, तो मैंने ये गोभी पहले ही खस के रख ली थी। अब इसमें मैंने थोड़ी अजवाइन डाली है, धनिया डाला है, ये जीरा है, थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची, और आप ये पोहे डाले मैंने इसमें। पोहे डालने से बहुत ही अच्छे कुरकुरे पराठे बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप डाल के ज़रूर बना के खाना। मैं तो मूली के पराठों में भी डालती हूँ और गोभी के, दोनों गोभियों के में डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं ये पराठे। और अभी इसको सबको मैं मिक्स करके फिर पराठे में भर के आपको दिखाऊँगी, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये पराठे। ऐसे बना के खाना, नहीं तो निकलते भी नहीं है ये बिल्कुल भी। चलो मिर्ची को देख लेते हैं पहले, कैसी बनी है नहीं बनी। मिर्ची तो शायद बनी गई है और बहुत ही अच्छी बनी है, खाने में बहुत अच्छी लग रही थी ये। आप भी बना के खाना, मैं ये पराठा बना के करती हूँ आपको। मैं बहुत सारा मसाला भर लेती हूँ फिर भी नहीं निकलता है। देखो मैंने बेल के, अब इसमें देखो कितना मसाला भरा है मैंने, फिर भी ये नहीं निकलेगा, बहुत सारी गोभी का मसाला भर के। और तब नहीं तो पहले मेरा थोड़ा सा भरती थी ना तो भी निकल जाते थे, पिचक पिचक करते थे, बड़ा बुरा लगता था। और अब बिल्कुल नहीं निकलता, इतना अच्छा बिल जाता है, बहुत अच्छा। अब इसको हल्के हाथों से बेलेंगे तो बहुत ही अच्छा बिल जाएगा और बनके भी बहुत ही अच्छा तैयार होएगा ये। और आप बना के ज़रूर खाना और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। कैसा बना ये पराठा, देखो मैंने बेल लिया, देखो बिल्कुल नहीं निकला ना, बहुत अच्छा पराठा बेल के तैयार हो जाता है। और बहुत ही, मैं इसको बना के और दिखाती हूँ आपको, बहुत ही यम्मी बनेगा ये और बहुत अच्छा लगेगा। देखो कितना अच्छा बना है। मैं इसमें घी लगा देती हूँ, आप रिफाइंड भी लगा लेना। मैं तो कभी रिफाइंड से बना लेती हूँ, कभी घी से भी बना लेती हूँ, पर ज़्यादातर घी से ही बनाती हूँ। देखो कितने अच्छे बने हैं। देख दोनों साइड से मैं दिखा दिया कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल नहीं निकला है और बड़ा कुरकुरा बना है ये और बहुत ही अच्छा लगता है ये। मैं दिखा देती हूँ आपको। प्लीज़ मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे को बताना, और आप भी बना के खाना। ये मिर्ची बहुत ही टेस्टी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। सर्दी सर्दियों हम कुछ ज़्यादा ही खाते हैं मिर्ची। बाय बाय सभी को, और बताना मेरे को कैसी लगे मेरे ये, और परांठे भी बताना, और आप बना के ज़रूर खाना एक बार प्लीज, बहुत अच्छे लगेंगे बहुत ही। देखो कितने अच्छे बने हैं, देखो बिल्कुल बहुत अच्छे। बाय बाय।